गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ये एक्सरसाइज 7F लेकर आया हूँ। बच्चों, ई तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक एक क्वेश्चन लगा करके मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। तो अगर आप जो है इंटीग्रेशन के चैप्टर 7A से लेकर ई तक ना देखे हो तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, कहाँ पर, प्लेलिस्ट में, ठीक है, ताकि ये जो आपका जो है ये एक्सरसाइज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन, ये देखिए ये है बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएँ। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार से लगेगा यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है टेन और यहाँ लिखा है 1 प्लस log x, ठीक है, और अपॉन में देखिए क्या लिखा है, x लिखा है, यहाँ dx है। तो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप देखिए हमारी बात समझिए। अगर मैं 1 प्लस log x को अगर t मान लूँ तो देखिए 1 अपॉन, देखिए क्योंकि यहाँ तो 1 तो हिडन में है, छिपा है, तो 1 by x dx आपको मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा देखिए, पहले यहाँ पर लेट लिखा मैंने क्या, 1 प्लस log x इक्वल टू टी। तो देखिए क्या हुआ, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और log x का करोगे तो इसका होता है डिफरेंशिएशन का फार्मूला 1 अपॉन x। तो बच्चों फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर है dx ये, ठीक है, और इसे क्या लिखोगे dt, क्यों, क्योंकि आपको बताया है कि यहाँ पर dx लगा देते हैं और यहाँ पर dt लगा देते हैं। तो ये कुल मिला के कितना हो गया, 1 अपॉन x dx इक्वल टू क्या जाएगा, ये dt हो गया। तो बच्चों एक काम करिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने जो बताया था और i इक्वल टू आपको इसको मानना ही है, तो i इक्वल टू देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 by x ये मिला dx, इतनी की जगह पे, इन तीनों की जगह पे dt लिखना है। तो चलिए रखते हैं 1 by x dx, इसकी जगह dt हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, tan है, तो यहाँ tan लिखा, और देखिए इतने को 1 plus log x को देखो बच्चों, 1 plus log x को आपने क्या माना है, t, तो यहाँ पर आपने t लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन log, देखिए इंटीग्रेशन किसका, tan x dx इसका होता है बेटा log sec x प्लस, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए अगर tan कहीं लिखा रहे उसका इंटीग्रेशन करना हो तो tan का इंटीग्रेशन log sec x + c होता है। तो बेटा हमारे में देखिए यही चीज़ सेम है, देखिए tan यहाँ भी tan यहाँ, बस केवल अंतर क्या है कि यहाँ पर x है तो sec x लिखा गया, यहाँ पर हमारे में t है तो हम क्या लिख देंगे log, ठीक है, यहाँ sec t लिख देंगे और + c लिख दिया। अब इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, log यहाँ पर देखिए sec और t की वैल्यू बेटा क्या लिखा है, 1 plus log x, तो लिख दीजिए 1 plus log x, क्लियर हो गया नहीं, + c। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, लग गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं। तो देखिए 2 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus cos 2x, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए इसको भी बहुत आसान से आप इसको, आपको हम जब बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ही प्रेम से देखिए, अच्छे से समझिए इसको। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि इसको i मान लीजिए, तो जब आपने इसको i मान लिया, अब यहाँ पर 1 लिखा है और नीचे क्या लिखा है 1 plus, अब बेटा आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, cos 2x का, क्या होता है फार्मूला, बोलिए 2 cos² x - 1 होता है। तो चलिए रख देता हूँ। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने इसी को क्यों रखा, इसी को क्यों रखा भाई, आपने साइन वाले क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा साइन वाले को ताकि उसमें काम नहीं बनेगा, और इसको रखने से फ़ायदा यह है वो कि -1 से +1 कट गया, इसीलिए इसको रखा, क्यों, इस 1 को इस 1 से काटने के लिए। तो इसमें बचा क्या, देखिए 2 cos² x बचा कि नहीं। अब देखिए आपको एक चीज़ जानकारी है ही है कि भाई देखिए 1 है, अंडर रूट में 2 है, कास जब देखिए चूंकि स्क्वायर में तो बाहर निकल आएगा कि नहीं, और यहाँ पर dx हो गया। अब जब कास को ऊपर ले जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलिए 1 upon √2 तो है ही है, ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा, बोलिए कास ऊपर जाता तो क्या बनता है, ये हो जाता है sec x, और यहाँ पर dx तो है ही है कि नहीं। तो 1 upon √2 को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा sec x dx बचा
नहीं। और एक सूत्र आप जानते हो, इसका सूत्र क्या होता है डायरेक्ट बताइए। इसका तो सूत्र हम आपको पढ़ा ही चुका हूँ, फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है वो लॉग क्या होता है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। तो इसको तो याद करना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला था कौन वाला, लॉग एक्स वाला। लॉग इतने का जो फार्मूला होता है वो इतना होता है, तो इसको आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो फार्मूले का ही गेम है पूरा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे बात करते हैं। तो देखिए थ्री में क्या लिखा है, थ्री में लिखा है सेक के पावर सेवन एक्स, आई स्क्वल टू मान लीजिएगा इसको भी, सेक के पावर सेवन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप एक काम करिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों है आसान, देखिए आप खुद भी देखिए। जैसे सेक की पावर सेवन है तो हम लिखने लिखा सेक की पावर फाइव एक्स लिखा, और दो बचे ना, एक सेक को नीचे ले गया तो एक सेक नीचे गया तो कॉस एक्स बन गया, और एक सेक को यहीं रहने दिया कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखा, ये यहाँ पर साइन एक्स है ही है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, आप खुद भी देख लीजिए। अरे भाई सेवन सेक था, एक सेक को नीचे ले जाएंगे तो सेक नीचे जाता तो कॉस बन जाता है, और एक सेक यहाँ पर है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं ये, तो बच्चा मेरे माइंड में ये चीज़ आया कि अगर यहाँ पर देखिए सेक एक्स सही है यहाँ पर, और अगर एक सेक को नीचे ले जाएंगे तो साइन बटे कॉस ये हो जाएगा टैन एक्स। ठीक है, और जैसा कि मुझे पता है, अब इस सेक को अगर हम टी मान लें तो आपको सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स तीनों मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिख देंगे, लिखेंगे सेक एक्स इक्वल टू टी मान लेंगे इतने को, और जब माना तो इसका जब भाई लेट करेंगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे, डी एक्स बराबर डी टी कि नहीं। अब देखिए ये वैल्यू किसकी है बताओ, इतने की वैल्यू है, तो चलिए ठीक है लिख देते हैं। इसलिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पर क्या रखना है, टी, तो टी की पावर फाइव, और यहाँ पर आ गया डी टी, क्योंकि इतनी की जगह पर डी टी लिखना है। अब इस तरह बन गया, नहीं बन गया, चलिए इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो आपको तो पता है भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर लिखा होता है उसमें एक जोड़ देंगे तो भैया छः हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे भी लिखा जाएगा प्लस सी। तो कुल मिला के अब टी की वैल्यू रख दो लास्ट में, जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो लास्ट में टी की वैल्यू रख देते हैं। तो टी की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, सेक लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेक की पावर सिक्स एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, देख ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से उसको किया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नेक्स्ट, इसका सेकंड वाला देख लीजिए, इसका सेकंड भी है। ठीक है, किसका, तीसरे का। सेकंड में देखिए क्या लिखा है, सेकंड में है वन अपॉन, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स, और इंटू यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करिए, काम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इसको निकालना है। तो एक काम आप कर सकते हो, जब वन अपॉन साइन, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस एक, भाई इसको ऊपर ले जाओगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगा आपका, बताइए, ऊपर जब ले जाओगे तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, बताइए, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू तो आपका जो है यहाँ चेंज ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए, जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बताइए। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं लगाने चल रहा हूँ। अच्छा, एक बात मुझे इतना बताइए कि जैसे यहाँ वन लिखा है, वन को अच्छा क्या लिख सकते हैं, वन को तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। और नीचे क्या लिखा है, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कि नहीं। अब एक काम क्या कर सकते हो यहाँ पर, चलो दोनों को अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कि नहीं। और यहाँ प्लस, इसके अपॉन में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया यहाँ डी एक्स है। ठीक, अब इसमें देखिए एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बचा, ऊपर साइन एक्स बचा, और नीचे क्या बचा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बचा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, वन अपॉन यहाँ पर साइन एक्स बच गया।
कि नहीं। अब एक काम कर लीजिए, इंटीग्रेशन है, अब देखिए साइन बटे कॉस ये हो गया क्या बताइए, ये हो जाएगा टेन, हो जाएगा टेन एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब ये बंद हो गया, डी एक्स हो गया। तो अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं है, अब एकदम इजी से कर लिया हमने, इसमें कुछ करने नहीं था, ठीक है। अब चलिए इसको ब्रेकेट को ऑफ कर दीजिए, तो जब ऑफ होगा तो क्या आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हुआ डी एक्स, और इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स डी एक्स हो गया। एक काम करिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, और इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग, याद कर लीजिएगा इस वाले को, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए तीन चीज़ फॉर्मूला आप इसका याद कर लीजिए, एक तो याद कर लीजिए किसका, टेन का, टेन एक्स का डी एक्स, ठीक, एक है आप कर लीजिए कॉट एक्स डी एक्स का, एक याद कर लीजिए सेक एक्स डी एक्स का, ठीक है, एक फॉर्मूला इसको अभी याद कर लीजिए कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैं देखिए इसमें तो दो होते हैं लेकिन हम एक एक ही सबके बता रहे हैं, लॉग देखिए टेन है तो टेन का क्या हो जाएगा लॉग, इसका क्या लिख दोगे सेक एक्स लिख दोगे, ठीक, प्लस सी, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसमें आ जाइए, इसका क्या होगा लॉग साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी, इसका क्या जाएगा बताइए सेक है तो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, और प्लस सी आप लिख दोगे यहाँ पर, इसका क्या आएगा लॉग हैं क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो आप इन तीनों इन चारों फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए क्योंकि इनका यूज ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सबको मिटा देता हूँ, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, सारे क्वेश्चन लग गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखिए 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा 1 अपॉन, यहाँ लिखा कॉस एक्स माइनस क्या लिखा है ए, और यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर डी एक्स, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बच्चों इसका क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना, वो इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको तो पहले आई मान लीजिए, अब एक काम करिए आई तो है ही है, इक्वल टू देखिए ऊपर और नीचे क्या कर दीजिए आप, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ऊपर भी आपका हो गया साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे देखिए क्या है कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी हो गया, यहाँ डी एक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऊपर नीचे काहे मल्टीप्लाई किए, इसलिए किए मल्टीप्लाई ताकि ये और ये ऊपर बना सकूं, ठीक है। कैसे बनेगा अभी देखिए, वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो है ही है यहाँ पर, ठीक, इंटीग्रेशन। मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, साइन देखिए ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ, वही जो यहाँ पर लिखा था, देखिए इसको यहाँ पर लिखा, इसको यहाँ पर लिखा, बीच में माइनस लगा दिया, ठीक, और नीचे क्या लिखा है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर डी एक्स। अब आप कहो कि भाई ये इसकी जगह ए माइनस बी की जगह इसे कैसे हो गया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए चाहे, देखिए एक्स माइनस बी लिखा है और माइनस एक्स माइनस ए लिखा है, तो जब ब्रेकेट ऑफ करोगे तो एक्स माइनस बी और माइनस एक्स और माइनस प्लस ए तो कैंसिल हुआ, तो क्या बना ये ए बचा माइनस बी, तो यार ए माइनस बी ही तो ये बना, तो कहने का मतलब ए माइनस बी की जगह ये लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, ताकि देखिए नीचे चूंकि लिखा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इसमें मैचिंग के लिए ऐसा बनाया कि मैचिंग हो जाएगा तभी तो कैंसिल होगा, नहीं तो मैच ही नहीं बनाएंगे तो कैंसिल कैसे होगा, इसलिए किया इसमें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन ए एक्स माइनस बी इंटू कॉस क्या जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्या जाएगा साइन ए कॉस बी, बी की जगह क्या है एक्स माइनस ए है, और माइनस भी क्या होगा कॉस ए की जगह एक्स माइनस बी, और इंटू साइन बी, बी की जगह क्या है एक्स माइनस ए, ठीक है। और देखिए इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में, भाई देखिए दोनों के अपॉन में जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में है ना ये, तो भाई देखिए इसके भी अपॉन में गया एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक, और इसके भी अपॉन में जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, दोनों के अपॉन में गया ना ये, और यहाँ डी एक्स हो गया।
अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताओ, वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो है ही है यहाँ पर। अब देखिए इंटीग्रेशन भी लिखा है, तो देखिए कॉस में एक्स माइनस ए से एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन बटे कॉस। देखिए साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा टैन एक्स माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। और माइनस यहाँ पर देखिए साइन, देखिए हमारे पास समझिएगा कॉस एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए इसकल टू टैन एक्स माइनस ए का ये फॉर्मूला है कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, चलते हैं इसको किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए इसको यहाँ पर हो गया ए माइनस बी तो है ही है, ठीक है। अब आप बताइए डायरेक्ट चाहो तो आप फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि ये टैन का फार्मूला है। तो टैन का फार्मूला क्या होता है, लॉग सेक होता है, ए की जगह एक्स माइनस बी है तो आप इसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए टी मानने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं था। अगर एक्स के सामने जैसे 2, 5, 6 या कुछ भी होता तो पहले इसको टी मानते तब आप इसको लगाते, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन कोफिशियंट कुछ नहीं तो टी मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। माइनस लॉग इसको क्या लिख सकते हो सेक एक्स माइनस ए। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर पता है और यहाँ पर प्लस सी लिख दोगे कि नहीं, तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो है ही है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो लॉग, अब देखिए ये क्या है इतना माइनस लॉग इतना, तो ये बटे ये चला जाएगा ना, क्योंकि फार्मूला होता है ना इसीलिए, ठीक है। आपको लिख के दिखा देता हूँ फार्मूला सेक एक्स माइनस ए और प्लस सी, ठीक। तो ये आपका हो गया। एक चीज़ यहाँ पर आपने पढ़ा नहीं है कि लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर कहीं लिखा हो तो आपका होता है लॉग एम अपॉन एन होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूले का यहाँ पर अप्लाई हमने कर दिया, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप इसको लिखो फटाक से जल्दी से फटाफट। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 5 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन, तो पहले आई मान लो इसको, ठीक है। 1 अपॉन यहाँ पर लिखा है 9 लिखा है माइनस 4x² dx लिखा है कि नहीं। अब इस चीज़ को देखिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 9 को क्या लिख सकता हूँ 3x² और इसको क्या लिख सकता हूँ 2x² क्योंकि 4x² है। अगर इसको जब ऑफ करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो फिर तो यही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए x का कोफिशियंट कुछ है, x का कोफिशियंट यहाँ पर 2 है, x का कोफिशियंट माने गुणांक होता है, ठीक है। अगर x का कोफिशियंट कुछ रहे तो हमने आपको बताया कि इसको t मान लेना चाहिए, तो इसको t मान लेंगे, तो लेट कर लिया 2x = t, तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 2 dx = dt, तो dx = क्या आएगा 1/2 dt हो गया, ठीक है ये हुआ। तो चलिए इसको लिखते हैं i = क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, i = क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 अपॉन क्या लिखेंगे अंडर रूट 3x² - t², ठीक है। और देखिए इसका क्या आएगा dx की जगह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए dx की जगह 1/2 dt, तो 1/2 को तो आगे लिख दो और dt यहाँ पर चला गया कि नहीं। अब देखिए फार्मूला किसका है, एक आपने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a होता है प्लस c कि नहीं, आपने फार्मूला पढ़ा ना इसमें, तो चलिए इसी फार्मूले में इसको रख देते हैं। तो जब रखेंगे 1/2 से तो कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और x की जगह देखिए क्या है a है वो 3 है, माने सॉरी a की जगह 3 है और x की जगह t है, तो क्या है x अपॉन a अर्थात t अपॉन 3 हो जाएगा कि नहीं और प्लस c। और लास्ट में क्या करोगे आप वैल्यू उठा के रख दोगे, तो वैल्यू क्या है बताओ इसका टी का, टी किसको माने थे बताओ 2x को, तो 2x/3 ठीक है प्लस सी, ये आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर कौन था 5 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंच गए हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। और देखिए 6 नंबर क्या है इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो ताकि क्वेश्चन नंबर आपको 6 बता दें हम, ठीक है नोट करो जल्दी फटाफट, क्योंकि इसमें जो है कई लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको जो है आपको लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, यब चल रहा है
ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको नोट करिए जल्दी से ताकि आगे हम क्वेश्चन को बढ़ा सकें। ठीक है, अब इसमें अगला जो क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं अगला क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 6 नंबर है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है। 6 नंबर आपका किस प्रकार से आप इसको लगाओगे, ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और ताकि इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या आपको ना हो। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो किस पे बेस है, किस पे नहीं, ये आप क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 6 नंबर में क्या लिखा भाई, 1/(x²-9) लिखा है, ये लिखा है ना इसमें। तो चलिए इसको लगाइए किस तरह लगेगा, इसको लेट कर देखिए। इसमें तो सब कुछ तो ठीक है, इसको आई मान लीजिए। ठीक, तो आई इज इक्वल टू क्या देगा, इंटीग्रेशन 1/(√x²-) यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया dx। अब देखिए x का कोफिशियंट कुछ नहीं है 1 के अलावा, तो चलिए इसका फार्मूला देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x²-a² एक फार्मूला होता है, x²-a² ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस √x²-a² + c। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए पहले फटाक से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप इसमें ज़रूर बताइएगा, सारे फार्मूले बहुत ही आसान हैं। ठीक, इसको नोट करो फटाफट जल्दी से, स्पीड में नोट करो। नोट कर लिया, अब चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए सेम उसी पे है, x की जगह x है, ठीक, और a की जगह यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा बताओ ये जल्दी से, log x प्लस, और क्या होगा यही चीज़, इसी चीज़ को, मतलब x²-3² + c, तो आपका आंसर हो गया ये। तो log हो जाएगा क्या है, x प्लस, इसको आप लिख सकते हो x²-9, 3 3 = 9 और प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आ जाइए 7 नंबर पे। तो 7 नंबर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है i = ∫ 1/(5+4), और यहाँ पर क्या लिखा है, cos x, यहाँ पर dx लिखा है। ठीक, तो चलिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं भाई, फार्मूला जानते हैं कि जो है cos x इक्वल टू होता है 1 - tan²(x/2) / 1 + tan²(x/2), ये फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं उसको, जब रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये 1/(∫ तो है ये 5+4, और cos की जगह ये है, देखिए cos x की जगह क्या है, 1 - tan²(x/2) और पूरे का अपॉन 1 + tan²(x/2) कि नहीं, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, dx। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 है ही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 बन जाए 5, प्लस इसका जब इसमें करेंगे तो 5 tan²(x/2), और 1 से जब करेंगे इसमें तो +4 - 4 tan²(x/2) कि नहीं, और नीचे देखिए पूरे क्या जा रहा है भाई, नीचे नीचे भी तो करोगे तो क्या जाएगा, 1 + tan²(x/2), और यहाँ पर dx तो है ही है। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप अगला इसको पलट दीजिए, जब पलटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, 1 + tan²(x/2), ठीक है, और नीचे देखिए क्या बन रहा है, 5 और 4 ये हो गया 9, और प्लस 5 tan²(x/2) से 4 tan²(x/2) जाएगा तो tan²(x/2), यहाँ dx हो गया। अब ये देखिए क्या है, ये तो हो गया 6²(x/2), और नीचे देखिए क्या है, 9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस tan²(x/2) dx कि नहीं। अब इसमें क्या करना है, tan को देखिए, tan²(x/2) को चलो t मान लेते हैं, क्यों माना, क्योंकि अगर इसको मानेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर sec स्क्वायर को मानेंगे या sec को मानेंगे तो ये नहीं मिल पाएगा कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर tan²(x/2) को हमने t मान लिया, तो क्या हो जाएगा, tan का करेंगे जब इंटीग्रेशन, वो समा मतलब अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो आपका आएगा बोलिए tan का sec²(x/2), और जब x/2 का करेंगे तो 1/(2dx)= dt हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको, इधर ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया sec²(x/2dx) हुआ = 2dt। तो बताओ आप लोग समझ गए नहीं, क्योंकि देखिए अगर tan को अगर t मानेंगे तो ऊपर वाला दोनों मैच कर जाएगा, कर गए ना, इसलिए हमने इसी को माना। तो इसलिए i = यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह पे क्या आया,
टू डी टी कि नहीं, और नीचे क्या है थ्री का स्क्वायर प्लस ये टी माने हो तो टी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर फिर से फार्मूला बन गया, फार्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, हैं फार्मूला होता है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है कि नहीं। तो चलिए इसमें लिखते हैं, टू तो है ही है, वन अपॉन ए की जगह थ्री है और टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की जगह टी है और ए की जगह थ्री है प्लस सी, तो हो जाएगा कितना टू अपॉन थ्री और टैन इनवर्स, और टी किसको माने भाई, इसको माने हो टैन एक्स अपॉन टू को बाई थ्री प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेवन नंबर भी आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग इसमें नहीं लगाना पड़ रहा है। अब ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, सेवन नंबर आपका हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर किस पे पहुंचेंगे हम, एट नंबर पे। देखिए एट नंबर में देखिए क्या लिखा है, सेवन नंबर आपका कंप्लीट हो गया है ठीक है, एट नंबर पे आ जाइए। एट नंबर आई इक्वल टू क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ठीक है वन अपॉन यहाँ लिखा है साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी। देखो फिर से दोबारा से यही तरह का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर फोर को किया है, उसमें क्या था साइन की जगह कॉस था, फिर भी वही काम करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या करेंगे वन अपॉन साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इसी से ए माइनस बी से कि नहीं। देखो अब तो आपके समझ में आ रहा होगा क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चन है और सेम ही तरीके से दोनों क्वेश्चनों को लगाया ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है डी एक्स है ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स माइनस देखिए क्या लिखा ए माइनस बी लिखा ना यहाँ पर लिख दिया हमने, और इंटीग्रेशन देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, या बी यहाँ पर करो तभी बनेगा, यहाँ पर ए कर दीजिए कि नहीं। तो जब तोड़ोगे तक कि यही बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है और ये और माइनस एक्स देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा ठीक बन गया ना वही चीज़। और नीचे देखिए क्या लिखा है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी ठीक है, और यहाँ पर डी एक्स है। तो चलिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो देखिए क्या आएगा वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो है ही है यहाँ पर ठीक है, इंटीग्रेशन चलिए लगाइए साइन ए एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए एक्स माइनस ए ठीक है माइनस कॉस ए एक्स माइनस बी साइन ए एक्स माइनस ए कि नहीं, और इसके भी अपॉन में इसके भी अपॉन में ये जाएगा जो अपॉन में लिखा हुआ है। तो देखिए अपॉन में क्या लिखा है बताइए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी ये लिखा है ना इसमें, इसके भी अपॉन में जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कि नहीं, और यहाँ डी एक्स लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए माइनस बी तो है ही है यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दोनों सेम हैं तो कट गया, अब कास देखिए कास एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स माइनस ए ये क्या बन जाएगा कॉट एक्स माइनस ए बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, यहाँ पर ये दोनों बचा तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे कॉट एक्स माइनस बी बच जाएगा कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स ठीक है। अब एक काम करिए आपको फार्मूला बताया गया है इंटीग्रेशन कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है बताइए, डी एक्स का होता है लॉग साइन एक्स होता है, तो आप यहाँ पर जो है इसको रख दोगे ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ पर देखिए इसका चलिए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये यहाँ हो जाएगा लॉग ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए और यहाँ पर क्या होगा माइनस लॉग ठीक है साइन एक्स माइनस बी हो गया ठीक है। आप एक काम कर लीजिए यहाँ पर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो साइन यहाँ पर ए माइनस बी तो है ही है ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा लॉग, अब चूंकि इतना बटे इतना है तो क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी ठीक है प्लस सी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ठीक, तो आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका एट वाला नंबर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप नोट करिए इसको पहले फटाक से जल्दी,
आइए आप क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर में देखिए क्या होगा। 9 नंबर देखिए क्या है इसमें। 9 नंबर भी बहुत ही आसान है, इसमें भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए 9 नंबर में आपके लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/4x² + 9, ऐसे लिखा है dx। तो देखिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, पहली बात तो आई मानोगे इसको, तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1/, इसको लिख सकते हो 2x² और यहाँ पर 3 dx। ठीक है, आप 2x को t मानोगे तो लेट 2x = t, तो क्या हो जाएगा 2dx = dt। तो dx = कितना आएगा 1/2 dt कि नहीं, चलो ये वैल्यू उठा के 1 में रखते हैं, तो इसलिए i = हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर देखिए 1/, क्योंकि आपने इसको t माना तो हो जाएगा t² + यहाँ पर ये क्या है 3 है तो 3² और यहाँ पर क्या है dt हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर 1/2 तो है ही है। ये देखिए फार्मूला एक होता है 1/a² + x² dx, इसका होता है 1/a tan inverse x/a + c, ये होता है। तो देखिए a की जगह पे तो 3 है और x की जगह पे t है, तो क्या हो जाएगा tan inverse, देखिए 1/a लिखा ना इसमें, तो पहले 1/a लिखो, तो 1/a a की जगह 3 है, फिर क्या लिखा tan inverse x, x की जगह t और अपॉन a की जगह 3 है प्लस c, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/6, यहाँ पर हो गया tan inverse और t माने हो t को क्या लिखोगे 2x लिखोगे और यहाँ पर 3, ये आपका कुल मिला के कम्प्लीट हो गया। तो ये किसकी वैल्यू है i की, मतलब ये वैल्यू इसकी है, क्योंकि i किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू है ना। तो ये आपका कम्प्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बताइए, ये 9 है। ठीक है, अब इसके बाद 9 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं क्या भाई, 10 नंबर भी तो बहुत आसान है। ठीक है, 10 आ गया, तो 10 में क्या लिखा है इंटीग्रेशन x² / 4 + x² dx। कभी भी ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले का पावर, ये जो अपॉन में लिखा है इसके पावर के इक्वल हो जाए, या ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो जाए तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए किस प्रकार डिवाइड करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 4 + x² से, तो 1 बार ले गया तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x² + 4। ठीक है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस ये कट गया, -4 आया। तो जितनी बार जाए, जैसे इसको आई माना मैंने, कितनी बार गया बताओ, 1 बार गया तो यहाँ लिख दीजिए, कितना रिमाइंडर था 4, और हमेशा रिमाइंडर के ही अपॉन में इसको लिखना चाहिए, तो 4/x ये हो गया कि नहीं, और यहाँ पर आपका dx हो गया कि नहीं। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर 1 + 1 - क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ये यहाँ पर 4 है ही है, और यहाँ पर क्या लिखा है 4² को लिख सकते हो 2² + x² कि नहीं, और ये ब्रेकेट को तोड़ दीजिए, जब ब्रेकेट तोड़ोगे तो इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा और यहाँ 4 तो बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 1/, इसको भी क्या लिख सकते हो, आए बोलिए, ये लिख सकते हो ना। और देखिए अभी इसको मैंने बताया, अभी सेम क्वेश्चन को बताया है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x होगा, यहाँ 4 है ही है, इसका क्या होता बताइए, ये तो फिर से वही हो गया tan inverse वाला है, तो 1/a a की जगह 2 है और tan inverse x, x की जगह x, ठीक, अपॉन a की जगह 2 + c, तो आप इसको चाहो तो 2 * 4 कट जाएगा, कटेगा 2 * 4, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर tan inverse x/a 1 x/2 है + c, ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो आप इसको जो है अच्छे से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपके डाउट में रह जाए तो उसको प्लीज़ आप बताइएगा, कोशिश करेंगे कि वो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट ही हो जाए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप 11 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, और देखिए 11 का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ लिखा है i = आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ 9 लिखा है -4x², ये लिखा है 4x² लिखा है ना इसमें, और यहाँ पर dx लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन लिखोगे 1/, देखिए √, अब 9 लिखा है तो आप लिख सकते हो 3² माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है, इसको लिख सकते हो 2x² dx कि नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर 2x को t मान लीजिए, जैसे 2x को t मानोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको लेट 2x = t, क्योंकि x का कोफिशियंट 2 है इसलिए मानना पड़ा, बाकी में आप कहोगे सर जी कुछ में तो माना ही नहीं, इसलिए नहीं माना क्योंकि बाकी में जहाँ पर नहीं माना वहाँ पर x का गुणांक जो है 1 के अलावा कुछ नहीं है, ये लेकिन यहाँ पर तो 1 के अलावा 2 है,
कोफिशियंट, इसलिए यहाँ पर इसको टी माना गया। तो हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/2, ये हो गया dt। तो ये आपका आया कि नहीं आया। तो एक काम करिए, चलिए चलिए इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, इसमें रखते हैं इसमें, ठीक। तो i इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर, और माइनस इसको क्या माना आपने, 2x को क्या माना है, t माना है ना आपने, तो यहाँ t का स्क्वायर हो गया। और यहाँ dx की जगह क्या है, dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 है तो 1/2 आगे कर दीजिए। अब देखिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये dx। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का फार्मूला है कि नहीं, तो आप इसमें रख दीजिए। तो 1/2 साइन इनवर्स, अब x की जगह तो t है तो t लिखा, और a की जगह यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये लिख दिया प्लस c। तो कुल मिला के आएगा 1/2 साइन इनवर्स t का मतलब क्या है भाई, 2x है अपॉन 3 प्लस c, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत तक की ना हो, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। अब 12 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने बताया आपको, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाने हैं, और अच्छे से इसको आपको कर लेना है, कहीं भी आपको करना नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा 1/, यहाँ पर लिखा है 9x², और यहाँ पर -1, ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर i बराबर है, तो i बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा 3x² भाई 9x² को आप क्या लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और 1 है तो 1p² लिख सकते हो कि नहीं। एक बात देखिए, यहाँ भी देखिए x का कोफिशियंट 3 है, तो आप इसको क्या करोगे, 3x को t मानोगे कि नहीं, तो ये 3 तो है ही है, x का क्या आएगा, dx इक्वल टू dt कि नहीं। तो ये आप काम करिए, तो dx इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 dt हो गया कि नहीं। तो एक काम करिए, चलिए dx की वैल्यू ये निकल आया कि नहीं, तो अब जहाँ पर dx लिखा है वहाँ पर तो आप ये लिखोगे, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए क्या है, इसकी जगह पे आपने क्या माना है, t माना है, तो क्या हो जाएगा, t² माइनस 1 का स्क्वायर, और dx की जगह dt अपॉन 3, तो अब की बार 1/3 को आगे लिख लिया, ठीक। और देखिए ये किसका फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अंडर रूट t² माइनस a² मतलब t² माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर dt है, ठीक, ये तो लिखा है ना। अब एक फार्मूला आपने देखा होगा, इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट क्या है, x² माइनस a², यहाँ पर dx ऐसे लिखा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह के जब क्वेश्चन आपको आता है, तभी मैंने इसके पहले ही बता दिया है, लॉग क्या होता है, x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, ये होता है कि नहीं, फार्मूला इस तरह लिखा हो। तो चलिए इसी फार्मूले में लगती है, x की जगह देखो t लिखा है, और a की जगह -1 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर 1/3 तो है ही है, लॉग लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, x मतलब t प्लस यहाँ पर लिखोगे t² माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस c, तो हो जाएगा 1/3 लॉग, और t की जगह पर देखिए क्या लिखोगे, t की जगह पर यहाँ पर 3x है, और यहाँ पर प्लस 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा माइनस 1, ठीक, और प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 12 नंबर लग गया, ठीक है। अब आ जाइए 12 के बाद आ जाइए 13 नंबर पे, कौन सा नंबर आ रहे हैं, 13 नंबर। तो देखिए 13 नंबर में क्या लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर में लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e^x अपॉन अंडर रूट में देखिए क्या लिखा है, 4+e^2x dx, ऐसा लिखा है ना, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए इसको भी करना बहुत ही आसान है, इसमें भी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। देखिए क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e^x तो ही है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ e^x² क्योंकि जब इसको तोड़ोगे तो यही तो बनेगा, e^x² किया है, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे तो फिर तो 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको t मान लेते हैं, अगर e^x को अपान वाले इसको t मानेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, देखिए करके देख लीजिए, आप खुद भी देख लीजिए। देखिए e^x का जब क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, e^x, और ये हो गया dx, और जब t का करोगे तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये चीज़ मिला कि नहीं मिला, देखिए e^x dx मिला कि नहीं मिला, इसकी जगह आप dt रखोगे, तो इसीलिए i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ऊपर dt अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर t का स्क्वायर, ठीक।
तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये किसका फार्मूला बताइए, ये फार्मूला आपका किसका हो जाएगा, फिर से वही लॉग का हो जाएगा। तो लॉग क्या लिखोगे बोलिए, एक फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, बल्कि वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है प्लस सी। ठीक, तो यहाँ एक्स की जगह टू लिखा, ओ ए की जगह टू लिखा है और एक्स की जगह टी लिखा, तो क्या लिखेंगे टी, और प्लस क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माने टू का स्क्वायर फोर और ए स्क्वायर का मतलब टी, वो एक्स स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर। ठीक, ये हुआ। अब एक काम करिए, वैल्यू उठा कर रख दीजिए, तो लॉग टी की वैल्यू क्या था, e के पावर एक्स प्लस अंडर रूट फोर, और यहाँ पर टी स्क्वायर इसका यहाँ पर ये रखना e के पावर एक्स, तो e के पावर एक्स रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर एक्स रख दो तो e के पावर एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक, प्लस सी, और देखिए क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा e के पावर एक्स ही रहेगा। जब आप किसको और आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, e के पावर 2x होगा, क्यों, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है अच्छे से लिख लीजिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत तक की आपको न हो। ठीक, तो क्वेश्चन आपका 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसमें 7 ऐप चल रहा है बच्चों, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है 13 नंबर। अब आ जाइए 14 नंबर पे। ठीक है, 14 नंबर पे देखिए क्या है लिखा है, 1 अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक बच्चों, तो एक काम करिए, ई के पावर माइनस एक्स को टी मान लीजिए, ओ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इसको आई मान लीजिएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई के पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो भाई कॉमन का मतलब भाग होता है सीधा, तो इसमें भी e के पावर x में भी e के पावर माइनस एक्स से भाग करेंगे और यहाँ पर भी भाग करेंगे इससे। ठीक, करेंगे नहीं करेंगे, और यहाँ dx सही है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ऊपर गया तो प्लस का हो गया, और देखिए इससे ये कट गया तो यहाँ 1 बचा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर x इंटू e के पावर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई नीचे था तो माइनस था, ऊपर गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखिए e के पावर x तो ही है, अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस दोनों सेम है, तो e के पावर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, e के पावर x का स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए अगर इसको t मान लेंगे e के पावर x को जो अपान में यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मान के देख लीजिए, लेट कर लीजिए, e के पावर x इक्वल टू t, तो e के पावर x dx इक्वल टू dt जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चलिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर दीने हैं, इसकी जगह चलो dt लिख दें, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू देखिए इसकी जगह dt हो गया और 1 प्लस ये किसका टी स्क्वायर हो गया कि नहीं। और यहाँ पर फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका फार्मूला है, यह है टैन इनवर्स एक्स का है। ठीक, प्लस सी, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू टैन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पर हो गया टैन इनवर्स और टी की वैल्यू क्या है, ई के पावर एक्स प्लस सी। ठीक, तो आपका कंप्लीट ये हो गया क्वेश्चन, इसको आप जो है अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है 15 नंबर, 14 तक आपका कंप्लीट हो गया है, 15 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है 15 नंबर में देखिए क्या लिखा है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है इसके, तो यहाँ पर देखिए भैया क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स अपान में भी क्या हो गया 1 प्लस एक्स ही यहाँ पर है और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक, देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स था तो मैंने जो है 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बच्चों, ताकि देखिए इसमें हम काम आसानी से कर सकें, तो काम क्या आसानी होगा, ये देखिए दो बार है तो एक बार बाहर निकल गया है ये, क्योंकि पेयर बन गया ना, और ए प्लस बी ए माइनस बी किसका होता है बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही रह जाएगा। तो बताओ आपके सन में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब एक काम करिए, चलिए दोनों को सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट का मतलब अलग अलग कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन इतना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बताओ। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसके भी अपॉन इसको कर सकता हूँ, x के भी अपॉन में ये लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक, डी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इसको जब तोड़ेंगे आप तो ये इस तरह कुछ हो जाएगा कि नहीं भाई, आगे से इंटीग्रेशन लगेगा, पीछे से डी एक्स, और इसमें भी देखिए क्या होगा, आगे से इंटीग्रेशन लगा दिया और देखिए पीछे से इसमें क्या लगा रहे हैं, dx। ठीक, तो
तो ये तो किसका फॉर्मूला बताइए, ये तो फार्मूला साइन इनवर्स एक्स का है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए इसका, इसमें लेट कर लीजिए, क्या लेट करोगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो वन का तो जीरो होगा, माइनस टू एक्स डी एक्स हो गया, इसका जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर देखिए एक्स, भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है ठीक, क्योंकि एक्स ही तो है यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स डी एक्स को यहाँ रहने दीजिए, माइनस वन अपान देखिए माइनस टू को उधर ले जाओ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया, यहाँ पर डी टी लिखा है। तो देखिए ये वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ पर देखो मिला गया एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह क्या रखोगे, माइनस वन अपान टू डी टी। तो इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह क्या लिखोगे बोलो, पहली बात तो देखिए इन दोनों की जगह क्या है, माइनस वन अपान टू, तो भाई माइनस वन अपान टू आगे लिख दो, क्योंकि प्लस है तो माइनस प्लस को माइनस बना देता है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, वन अपान आपने क्या किया, इसको पूरे को आपने टी माना है, तो यहाँ पर टी हो गया। अब टी का मतलब क्या है, टी का तो है ही है। अब यह एक चीज़ ये बताओ, जैसे टी रखा है यहाँ पर, इस अंडर रूट को चाहे तो वन अपान टू भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स आपका ये ही है। अब यहाँ पर देखिए वन अपान टू भी लिखा है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वन अपान टू हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर डी टी है ये, चलो इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स तो है ही है, माइनस वन अपान टू है, टी की पावर देखिए माइनस वन अपान टू प्लस वन, और जो ऊपर आएगा वही नीचे भी लिखना पड़ेगा, माइनस वन अपान टू प्लस वन प्लस सी कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लिखोगे साइन इनवर्स क्या लिखा, एक्स माइनस वन अपान टू, और साइन पे देखिए टी पे पावर कितना जाएगा, टी पे पावर देखिए दो एक कदम दो, दो में से एक जाएगा तो एक बटा दो आ गया कि नहीं, और बटे में भी एक बटा दो आएगा, भाई जो पावर है वही तो बटे में होगा, क्योंकि जो चीज़ ऊपर लिखा है वही चीज़ नीचे भी लिखा है। तो देखिए एक बटे दो से एक बटे दो कैंसिल ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर प्लस सी लगा दीजिएगा कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट देखिए टी की पावर वन अपॉन टू, तो इसको चाहे तो अंडर रूट टी भी लिख सकता हूँ ठीक। और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स तो ही है, और अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है बताओ, टी किसको माने हो, वन माइनस एक्स स्क्वायर को, तो आप लिख दीजिए वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो गया 15 नंबर का। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं इधर का मिटा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, इसमें बिल्कुल दिमाग कहीं भी आपको नहीं लगाना पड़ा ठीक है। क्यों नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा जो है काम नहीं था ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम चल रहे हैं करने के लिए ठीक है। आपके 15 तक तो हमने आपको क्वेश्चन बता ही दिया है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 16 पे ठीक। तो देखते हैं 16 में क्या लिखा है, 16 में क्वेश्चन नंबर 16 ठीक। तो 16 में लिखा है आई इक्वल टू मान लेता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ब्रेकर में क्या लिखा है, एक्स की पावर 4 प्लस 1, टोटल पावर क्या लिखा है, 3 अपॉन 4 लिखा डी एक्स। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कहीं लिखा हो ए माइनस बी लिखा है ठीक है, अगर ए कामन ले लेंगे तो ए कामन का मतलब क्या होता है कि ए कामन लिया तो ए से दोनों में भाग करेंगे, तो मतलब ए अपान ए और बी अपान ए, इसका मतलब ये होता है, अर्थात ए को ए से भाग किया तो 1 आया और यहाँ बी अपान ए आया ठीक। अगर इसी की जगह पे जैसे ए माइनस बी की पावर यहाँ पर 10 लिखा हो, तो अगर ए कामन लेंगे तो ए तो कामन निकलेगा लेकिन पावर लग करके बाहर निकलेगा ठीक। इस दशा में भी अब अंदर जो है ए कामन लिया है, भाई कामन लिया तो चूंकि पावर 10 था तो 10 लग करेंगे लेकिन निकलेगा। अब इसमें भी क्या होगा, जब चूंकि ए कामन लिया तो ए से ही भाग करेंगे। अब ये दिमाग में आ रहा है सर, यहाँ पर जो है ए से भाग तो किया तो ये भाई 10 यहाँ पर है रहेगा, तो ए की पावर 10 है, यहाँ 1 बचा, यहाँ बी अपान ए बचेगा, यहाँ ये। अब आप कहोगे सर जी ए की पावर 10 लिया तो ए की पावर 10 से तो नहीं भाग कर रहे हो, नहीं जब अंदर गया तो फिर ये हो गया ठीक है, इसलिए ए से ही भाग करेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे यहाँ लिखा है बी माइनस पी लिखा है, अब यहाँ पर 5 लिखा है, अगर बी कॉमन ले लेंगे तो पावर सहित कॉमन मिलेगा, और अंदर काहे से भाग करना, कॉमन लेना क्या मतलब क्या हो, भाग करना ठीक है। तो भाग करोगे मतलब डिवाइड करोगे, तो बी को बी से डिवाइड करोगे और पी को भी बी से डिवाइड करोगे, पास 5 तो रहेगा इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा बी की पावर 5, और यहाँ पर 1 माइनस पी अपॉन बी आ जाएगा, और पावर यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ भी वही हुआ है, चूँकि 1 था इसलिए यहाँ पर 1 लिखा रहेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बातें आपके समझ में आ गया होगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, आप पहले ही समझ गए होंगे अब इतने काम करने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है ही है ठीक, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 कामन ले रहा हूँ, तो पावर कौन लग के निकलेगा, 3/4 कम करके निकलेगा, और जब इसको कामन ले रहा हूँ तो इसी से भाग करेंगे, तो एक्स की पावर 4 को 4 देखिए एक्स की पावर 4 को ठीक है एक्स की पावर 4 से डिवाइड किया, और 1 को भी तो एक्स की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, और पूरे पे पावर 3/4 है ही है यहाँ पर कि नहीं,
चलिए ठीक। अब यहाँ पर देखिए, फोर से फोर कट गया, वही फोर से फोर कट गया, तो एक्स पावर थ्री बचा एक्स पावर टू, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, वन अपॉन थ्री टू कितना हो जाएगा, फाइव हो गया, एक्स की पावर फाइव हो गया ना, और एक्स की पावर फोर से एक्स की पावर फोर कैंसिल होगा, यहाँ वन बचा, इसको क्या करो ऊपर लेके चले जाओ, तो एक्स की पावर माइनस का फोर होगा, और यहाँ पर थ्री बाई फोर तो है ही है, यहाँ पर डी एक्स है कि नहीं। तो एक काम करिए, चलो इसको टी मान लेते हैं, इतने को जब टी मानते हैं तो देखते हैं क्या आता है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर इक्वल टू टी, ठीक। और अगर इसको मानेंगे तो देखिए ये दोनों ये मिल जाएगा, करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वन का तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फोर माइनस आगे चला जाएगा, और इस माइनस फोर से एक अपने मन से और सब ट्रैक करते, भाई डिफ्रेंशिएशन का ही नियम तो होता है, ये नियम होता है, एक्स की पावर जैसे एन है तो एन आगे आ जाएगा, और एन में से एक अपने मन से और सब ट्रैक कर दोगे, तो वही तो काम है। देखिए इस फोर को मैंने आगे लिख लिया, लिखा ही नहीं, और इस फोर से मैंने वन सब ट्रैक कर दिया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक। तो देखिए माइनस फोर तो है ही है, और एक्स की पावर माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अब यहाँ पर माइनस फोर तो है ही है, अब जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स की पावर प्लस का फाइव हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर माइनस फोर है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो वन अपॉन एक्स की पावर फाइव डी एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पर आइए माइनस फोर डी टी। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है, देखिए वन अपॉन इतना डी एक्स, देखिए मिला कि नहीं मिला, इसकी जगह ये रखना है। तो देखिए आप रखोगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन इन दोनों की, इन इतने की जगह वन अपॉन इतना इतने की जगह आप लिखोगे माइनस वन अपॉन फोर डी टी, तो यहाँ आगे लिख दीजिए वन अपॉन फोर, यहाँ लिख दीजिए डी टी, और चूंकि यहाँ पर देखिए इतने को आपने टी माना है तो टी की पावर थ्री अपॉन फोर हो गया कि नहीं, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस वन बाई फोर तो है ही है, जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर डी टी आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस वन अपॉन फोर तो है ही है, टी की पावर माइनस थ्री बाई फोर है, इसमें प्लस वन ऐड कर दो, और नीचे भी माइनस थ्री बाई फोर है, इसमें भी प्लस वन कर दो प्लस थ्री, तो देखिए माइनस वन अपॉन फोर तो है ही है। अब टी है तो फोर वन जा फोर, फोर में से थ्री जाएगा तो वन बाई फोर बचेगा, और नीचे भी वन बाई फोर है, ठीक, प्लस सी, तो वन अपॉन फोर से वन अपॉन फोर भी कट गया, तो टी की पावर वन अपॉन फोर है प्लस सी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए टी की, तो टी की वैल्यू क्या थी बताइए, ये था क्या, वन प्लस एक्स की पावर माइनस फोर, और पूरे पे पावर वन बाई फोर आप लगाओगे प्लस सी कि नहीं। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से, वन अपॉन इसको जब नीचे ले जाओगे तो एक्स की पावर प्लस का फोर हो जाएगा कि नहीं, और पूरे पे पावर वन अपॉन फोर प्लस सी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है जल्दी से कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्या लिखा मैंने, इंटीग्रेशन, ठीक, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स लिखा है डी एक्स, ठीक। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये किसका फार्मूला है, ये समझिए, कहीं लिखा होगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा लिखा हो तो क्या बन जाता है बताइए, साइन थीटा बन जाता है कि नहीं, वो भी किस में, निगेटिव में, बनता ही नहीं बनता है। तो अगर कहीं साइन थीटा लिखा हो, ठीक है, बात समझिएगा, तो वहाँ पर इस माइनस को इधर लेके चले हो तो माइनस क्या, ये आपका जो है ये साइन थीटा की जगह नहीं लिख सकते क्या, 90 का मतलब क्या हुआ, 90 का मतलब होता है पाई बाई टू, और यहाँ पर प्लस का ही हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए ठीक, इस चीज़ को यहाँ पर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, वन, और देखिए इसकी जगह पे देखिए जैसे यहाँ पर थीटा है तो ये लिखा गया, हमारे में तो एक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस है पाई बाई टू है प्लस एक्स, आप इसको ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ, एक फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो, कॉस टू एक्स इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, क्या होता है, एक्स होता है। अगर यहाँ पर टू एक्स है तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, एक एक्स लिखा जाएगा, मतलब इसका आधा हाफ हो। और अगर इसी की जगह पे मान लीजिए ये लिखा हो पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा हो तो क्या होगा, तो इसका हाफ यहाँ लिखा जाएगा, अर्थात पाई बाई टू प्लस एक्स इसके अपान टू कर देंगे, यह लिखा जाएगा। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जब यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, वन माइनस क्या है इसकी वैल्यू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, और इसको चाहे ब्रेकर ऐसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पाई टू टू जा फोर, और ये एक्स बाई टू कि नहीं, यही तो बनेगा कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर डी एक्स है, अब इसको और आगे आप क्या कर सकते हो बताओ, आप इसको तोड़ दीजिए ब्रेकर, तो वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर, ठीक, प्लस एक्स अपॉन टू हो गया कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स है, वन से वन कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, वन अपॉन रूट में तो ये रहेगा टू,
लेकिन साइन चूंकि स्क्वायर में है तो बाहर निकल आया साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू कि नहीं, यहाँ पर डी एक्स तो ही है। अब इधर वाला हम पूरा मिटा दिए हैं, ठीक। अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, वन अपार रूट टू ये तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक, ठीक है, साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक साइन क्या बन जाएगा, कॉसेक पाई बाई फोर और यहाँ पर एक्स अपान टू, ठीक। अब एक काम करिए, इसको टी मान लीजिए, जब इसको लेट कर लीजिए लेट, और यहाँ डी एक्स भी ये तो है, ठीक है, तो यक्स देखिए पाई बाई फोर प्लस एक्स अपान टू को टी मान लेना, ठीक। जब आप टी मान लोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, यहाँ यक्स का करोगे तो डी एक्स अपान में टू ही है इक्वल टू डी टी। अब क्या होगा, टू को उधर लेके चले जाओ तो डी एक्स इक्वल टू टू डी टी हो गया कि नहीं। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए आई इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे वन अपान रूट टू तो ही है, अब इसमें देखिए टू और आपका क्या है कॉसेक, इसको आपने टी माना है और डी एक्स की जगह क्या है टू डी टी, तो टू आगे लिखा डी टी यहाँ लिख दिया। अब एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, क्या इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का होता है, ये क्या है फार्मूला है, ठीक है, क्या होता है डी एक्स का, ये होता है लॉग टेन एक्स अपान टू होता है प्लस सी, ठीक। तो चलिए इसी में रख देता हूँ इसको, तो पहली बात तो एक तो है टू अपान रूट टू तो ही है, चलो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि अपान में रूट नहीं होना चाहिए इसलिए किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग टेन टी अपान टू होगा प्लस सी हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए टू से टू 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 एक मतलब क्या हो जाएगा, ये टू रूट टू हो गया और ये टू बाहर हो गया कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पर टेन हो गया और देखिए टी लिखा है तो टी की वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी से, टी किसको माने हो बताओ, टी तो आपने इसको माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स अपान टू पूरे के अपान में टू हो जाएगा प्लस सी। तो देखिए टू से टू कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा रूट में लॉग टू, ठीक है, लॉग देखिए रूट में टू हो गया ना लॉग टेन, अब इसको जब टू करेंगे तो क्या आएगा पाई बाई फोर टू जा एट और यहाँ पर एक्स अपान टू टू जा फोर हो गया प्लस सी, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप जो है लगा लीजिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है कई एक दो बार लगा करके प्रैक्टिस इस पर आप कर लीजिए अपना। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, ठीक है, और 17 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 18 पे, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर में यहाँ पर क्या लिखा है, 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है बहुत आसान है, उसमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 18 का, देखिए क्या लिखा है इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है साइन एक्स अपॉन क्या लिखा है 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक काम करिए, कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो साइन मिल जाएगा, तो लेट किया कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस को टी माना है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी कि नहीं। अब माइनस को उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया कि नहीं। चलिए वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं तो आई इक्वल टू यही है, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस आगे लगाया, ठीक है, और इतने की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी और अपॉन में देखिए इसको चूंकि आपने क्या माना है इसको आपने टी माना है तो क्या हो जाएगा टू के स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर, ठीक है। समझ में आगे नहीं आ गया, ये माइनस दो बार क्यों लगा रहे हैं भाई, माइनस तो यहाँ पर लगा चुका हूँ। अब एक फार्मूला आपको तो ये पता है, ये फार्मूला किसका लॉग का है, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स एक्स की जगह टी और प्लस इसी को पूरा लिख देते हैं तो मतलब टू के स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर कि नहीं प्लस सी उत्तर हो गया। केवल टी की जगह पे वैल्यू रख दीजिए बस, तो आपका आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा लॉग और टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ लिखोगे कॉस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा फोर यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो बेटा ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, देखिए कहाँ पर आपका क्या हुआ है, ठीक। तो अब इसको मिटा देते हैं, मिटाते क्या है अगला और लगा लेते हैं, तो इसके साथ एक साथ मिटा देते हैं। देखिए इसका सेकेंड भी इसी तरह है तो इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन हम लगाने चल रहे हैं, 19 पे आप आ जाइए, ठीक। तो 19 नंबर में देखिए क्या लिखा है 19, ठीक है 19 या कहो तो 18 का सेकेंड भी लगा दें लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, उसको लगा लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि उसमें क्या है एक्स की पावर 6 लिखा है तो x की पावर 3 पे पावर 2 कर देना है और जो x की पावर 3 होगा उसको t मान लेना, कर दे रहा हूँ, चलिए कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से।
आई है तो यहाँ पर क्या पर लिखा था, एक्स स्क्वायर लिखा था, और यहाँ पर लिखा अंडर रूट में 9 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स, ये लिखा ना इसमें, तो इसको आई मान लीजिएगा पहले, तो आई इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो ही है, यहाँ पर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ पर एक्स की पावर 6 को 3 पे पावर 2 लिख दिया डी एक्स, और यहाँ पर लेट कर लिया एक्स की पावर 3 इक्वल टू टी, 3 को आगे कर दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी कि नहीं, ये दोनों चीज़ देखिए मैं मैच कर गया, केवल 3 ज़्यादा हो गया तो उसको उधर लेके चले जाओ, तो देखिए डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/3 डी टी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए इसकी जगह पे 1/3 और ये डी टी, और नीचे क्या आ गया 3 के स्क्वायर प्लस यहाँ टी के स्क्वायर, फिर से ये फॉर्मूला बन गया किसका, यही वाला है, यही वाला है, तो आ जाएगा 1/3 लॉग एक्स, एक्स की जगह टी कि नहीं, प्लस यही का पूरा लिख देंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और यहाँ टी स्क्वायर कि नहीं प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/3 लॉग टी की जगह पे देखिए क्या लिखा है, टी की जगह एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 और यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, इसकी जगह रखेंगे तो 3 टू जा क्या आ जाएगा, फिर ये 6 ही आ जाएगा कुल मिला के। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी लग गया, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था, इसको भी मैंने बता दिया ठीक। अब इसमें बचता कौन है, 18 का दोनों पार्ट यहाँ पर हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जाइए 19 नंबर पे ठीक है, 19 तो 19 नंबर में लिखा है ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई इक्वल टू इसको मान लीजिएगा ठीक, यहाँ लिखा है साइन एक्स अपॉन क्या लिखा है 4 प्लस क्या लिखा है यहाँ पर ये नहीं है, ये है, ये तो 18 ही था, ये लिखा है 2 कॉस एक्स अपॉन क्या लिखा है बोलिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को लगाना है बहुत ही आसान तरीके से, कैसे करोगे ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करिए, कर लीजिए पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको साइन में कर लीजिए, क्योंकि जब इसको साइन में कन्वर्ट कर लोगे तो साइन को टी मानोगे तो कॉस आ ही जाएगा ठीक है, इसीलिए कर रहा हूँ, तो 2 तो बाहर ही है, यहाँ पर का ये भी लिखा है ठीक है, या 2 को लिखे रहने दीजिए जैसे लिखा है, क्या करना है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 4, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, और यहाँ डी एक्स लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2 कॉस एक्स सही है अंडर रूट, इसको जब तोड़ोगे तो 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस, और यह हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और डी एक्स पूरे है इंटीग्रेस ओ अंडर रूट, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉस एक्स तो ही है, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको पहले लिख लिया, अब बताइए 1 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ 3 बचेगा माइनस का कि नहीं। अब एक काम करिए, यहाँ पर आप इसको देखिए 2 कॉस एक्स तो ही है ऊपर ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 यहाँ पर साइन एक्स का चाहे तो स्क्वायर कर दें, और इसको चाहे तो अंडर रूट में आप कर दीजिए ठीक, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 साइन एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, कैसे आप करके देख लीजिए, लेट 2 साइन एक्स इक्वल टू टी, तो 2 तो है साइन का जब करोगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये बन गया आपका, और ये वैल्यू देखिए यहाँ पर मैच कर गया कि नहीं, कर गया ना, देखिए ऊपर पूरा मैच कर गया, तो इसकी जगह आपको रखना है डी टी, तो इसलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए डी टी, और यहाँ पर नीचे देखिए क्या है, इसको चूंकि आपने 2 साइन एक्स को टी माना है तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर है कि नहीं, ये हो गया नहीं भाई, इसको तो आपने टी माना ना इतने को, तो मैंने देखिए इसकी जगह पर टी लिख दिया, बाकी ये तो आपका लिखा है, तो फिर ये किसका फॉर्मूला हो गया, लॉग का ही हुआ, तो लॉग टी माइनस ओ प्लस क्या होगा, फिर ये लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस सी, भाई फार्मूला नहीं होता है क्या, इंटीग्रेशन 1/ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी कि नहीं, तो वही तो मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर वैल्यू लिख के लिखेंगे, तो लॉग लिखा और टी किसको माने बताओ, 2 साइन एक्स को माना है तो 2 साइन एक्स, और प्लस यहाँ पर 2 साइन एक्स रखेंगे इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं, और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 प्लस सी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 19 नंबर। अब आ जाइए किस पे, 19 का ठीक है, अब आ जाते हैं 20 पे सीधा सीधा ठीक। कौन सा है, 19 हो गया, और 19 का सेकंड भी कर देता हूँ, 19 का सेकंड, तो सेकंड में क्या लिखा है देखिए,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिखा एक्स प्लस वन और पूरे के पान क्या लिखा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो चलिए इसको सेपरेट कर लीजिए पहले, तो इसको अलग अलग कर लिया, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर कि नहीं, और प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर डी एक्स कि नहीं, यही लिखा ना इसमें ठीक। अब इसको देखिए ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही आएगा नहीं आया ठीक है, और डी एक्स या वन पे स्क्वायर ना लगाओ इसे रहने दो क्या करेंगे, और इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन है डी एक्स कि नहीं। अब इसमें देखिए इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, तो लेट कर लीजिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 का तो 0 होगा तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो x डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 2 डी टी कि नहीं। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखें, और यहाँ पर तो 1 के स्क्वायर है कि नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ 1 अपॉन 2 को तो आगे कर दीजिए, 1 अपॉन 2 को तो आगे कर दिया, यहाँ डी टी और इतने को आपने टी माना है तो अंडर रूट टी हो गया कि नहीं। और ये किसका फॉर्मूला है बताइए जल्दी से, ये वाला, ये log x, x का मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका फॉर्मूला है कि नहीं, और प्लस c ठीक। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे हम तो क्या आ जाएगा t के पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी कि नहीं, और प्लस log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c कि नहीं। आगे बढ़ जाइए, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1 अपॉन टू तो ही है यहाँ पर ठीक है। एक बात देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन में किसी प्रकार से गलतियां आपको नहीं करनी है ठीक है। इसका करिए t की पावर माइनस वन अपॉन टू है, इसमें वन ऐड कर दीजिए, और वही चीज़ देखिए नीचे भी लिखना है आपको माइनस वन अपॉन टू प्लस वन कि नहीं। भाई आप इसी तरह करते हो जैसे कोई पावर वाला रहता है तो पावर में एक जोड़ देते हो, और जो पावर आता है वही चीज़ नीचे भी लिख देते हो, और नीचे इसका देखिए इसका क्या है, ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात वैसे भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो इसमें देखिए क्या आएगा, वन अपॉन टू तो है ही है कि नहीं, और जब इसको करोगे दो कर्म दो में से एक जाएगा तो ये भी टी के पावर एक बटा दो, और ये भी अगर ये एक बटा दो है तो ये इसको हल करोगे तो ये भी तो एक बटा दो होगा, और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स प्लस, यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पर प्लस सी, तो दोनों सेम हो गया कट गया। तो भाई इस पे चाहे टी पे पावर वन अपॉन टू लिखे और चाहे इसी पे अंडर रूट लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ लॉग है यहाँ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन है कि नहीं प्लस सी। अब अंडर रूट देखिए टी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो टी किसको माने थे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन को, तो यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पे ठीक है। 20 में देखिए कितना हो गया, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा ठीक है, वन माइनस कॉस यहाँ पर x लिखा है डी एक्स ठीक है। तो कॉस x का चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, तो कॉस x का फॉर्मूला बच्चों क्या है, वन अपॉन ये क्या लिखा है वन माइनस, अब कॉस x का फॉर्मूला क्या होता है, ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर x अपॉन टू, इसको लगा दो कि नहीं, ये तो लगेगा तो कट जाएगा वन से वन तो काट दीजिए इससे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर x अपॉन टू, यहाँ पर डी एक्स हो गया कि नहीं, वन से वन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा वन अपॉन ये रूट टू हुआ, ये बाहर आ जाएगा चूँकि स्क्वायर में है तो ठीक है, तो एक्स बाई टू हुआ डी एक्स, इसको ऊपर लेके चला गया और वन अपॉन टू एज अ कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दीजिए इसके अंडर रूट के, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन टू डी एक्स कि नहीं। अब एक काम करिए, इसका जो है आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको तो पता है भाई कि इसको पहले आपको टी मानना पड़ेगा क्योंकि एक्स बाई टू लिखा है ना यहाँ पर, तो लेट x अपॉन टू इक्वल टू टी ठीक, तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स अपॉन टू इक्वल टू डी टी कि नहीं, तो टू को इधर ले जाओ तो डी एक्स इक्वल टू टू डी टी हो गया कि नहीं। तो चलिए इसमें रखें, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन रूट टू और इंटीग्रेशन cos x और x अपॉन टू को आपने क्या माना t माना है, और देखिए डी एक्स लिखा डी एक्स की वैल्यू क्या है टू डी टी, तो टू डी टी हो गया कि नहीं, और टू को आगे लिख दीजिए आप तो 2 अपॉन रूट टू और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x t dt। अब फार्मूला x होता है, देखिए फार्मूला कहीं लिखा हो cos x dx, तो फार्मूला क्या होता है log tan x अपॉन टू,
ये भी एक फार्मूला होता है कि नहीं। और एक फार्मूला क्या होता है, कॉसेक एक्स माइनस माइनस कॉट एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पर यही वाला लगाएंगे। तो देखिए 2/√2 है तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ ताकि अपॉन में रूट न रह जाए। इसका हो जाएगा लॉग टैन टी अपॉन टू, ठीक, प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 2 जा देखिए 4, ठीक है, अंडर रूट फोर का क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यहाँ लॉग और टी टैन है ना, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है भाई, देखिए इसमें एक्स अपॉन टू इसके भी अपॉन टू है, प्लस सी। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, √2 log यहाँ पर है टैन और एक्स अपॉन फोर हो जाएगा, प्लस सी, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से आप उसको जो है क्लियर कर सको, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन आपका 20 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है, 21 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है i = 2, यहाँ पर लिखा है sec और यहाँ पर लिखा है 6/5 और यहाँ पर लिखा है x, ठीक, और यहाँ लिखा है cosec और यहाँ पर लिखा है 4 और अपॉन 5 x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप बिल्कुल जो है अच्छे से इसको देख लीजिए। तो एक काम करिए, इसको क्या करते हैं हम, इसको जो है अपॉन में लेकर चले आओ, इसको क्या कर दीजिए पहले बताओ, अपॉन में लेकर चले आओ, जब अपॉन में लाओगे तब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक, और किस प्रकार से किया जाएगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos, यहाँ होगा 6/5x कि नहीं, और इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा sin 4/5x। तो ऐसा करिए, इसमें जो है cos जो है 4, देखिए 4/5x से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, cos 4/5x से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर डिवाइड। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे देखिए फ़ायदा क्या होने वाला है कि ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है आपका, आपको फ़ायदा ये हो रहा है कि 1 अपॉन, देखिए बेस इक्वल है तो पावर जुड़ी जाएंगे और अपॉन में भी देखिए है तो चलिए जोड़ लेते हैं, 6/5 + 4/5 तो कितना हो जाएगा 10/5 और 5 2 जा 10 तो 2 आ गया। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा tan, ये हो जाएगा 4/5x हो गया कि नहीं dx, क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक। अब एक काम करिए, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो गया tan 4/5x, ठीक, dx, ऐसा हो गया। अब जब इसको t मानेंगे कि इसको tan को, तो ऊपर वाला मिल ही जाएगा, तो लिख लीजिए लेट tan x = t, तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx = dt, ठीक। तो देखो ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, तो ये चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i = integration, यहाँ पर हो गया dt और नीचे आपने इसको क्या माना है, इसको t माना है, तो t^4/5 हो गया। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो जब ऊपर जाएगा तो -4/5 हो जाएगा ये चीज़ कि नहीं हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, -4/5, क्योंकि नीचे आपका प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए t^-4/5 तो है ही है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी देखिए 4/5 है, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए t^5 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 होगा और ये भी वही होगा क्योंकि जो ऊपर है वही तो नीचे है, ठीक, ये पलट जाएगा तो 5/1 हो गया और यहाँ t^1/5 प्लस सी, ठीक। तो 5 तो है ही है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। t की वैल्यू देखिए क्या लिखा है, t किसको माने, tan x को, तो यहाँ लिख दीजिए tan x^1/5 प्लस सी। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन बचता है आपका, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका 21 हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, 22 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं 22। तो 22 में देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल
आपको माइंड नहीं लगानी है, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर काम क्या करता हूँ इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 22 लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स की पावर 2 dx, ठीक है बच्चों, ये लिखा है 22 में। अब इसके बाद देखिए टोटल आपके कितने क्वेश्चन बचेंगे, आपके केवल 2 क्वेश्चन बचेंगे और वो भी आसान आसान क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्या किया जाएगा, ठीक। और बहुत आसान सवाल है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपॉन में लिखा है इसको टी मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट ए प्लस बी एक्स इक्वल टू टी, ठीक। अब इसका चलिए डिफरेंशिएशन किया जाए, तो हो जाएगा देखिए, और अगर यहीं से एक्स की वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, इसको और क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी एक्स इक्वल टू टी माइनस ए, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बोलिए, टी माइनस ए अपॉन बी लिख सकता हूँ एक्स की जगह पे, कि नहीं। तो चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बताते हैं, इसीलिए यहीं पर देख लो, इसीलिए आप यहीं से करना चाहो तो आप यहीं से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से करो तो इसका हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ इसका टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी का टी का हो जाएगा डी टी, और चूंकि इसके अपॉन में बी है तो बी हो गया, और ए का जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें है, ठीक। तो इतना आ गया, तो चलिए वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए आई इक्वल टू देखिए एक्स लिखा है और एक्स की वैल्यू ये निकाला है टी माइनस ए, ठीक है, अपॉन बी, तो पूरे पे स्क्वायर चला गया, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं। और यहाँ पर इसको तो आपने टी माना ही है, तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आ गया बताइए, 1/b, तो यहाँ पर 1/b डी टी हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/b तो है ही है इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसके नीचे क्या है, टी स्क्वायर, ठीक, इसके नीचे 1 है ही है, ठीक, यहाँ डी एक्स है, डी टी है, समझ में आई नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यही जगह पे देखिए 1/b तो है ही है इंटीग्रेशन, ठीक। अब इसको जब पलटोगे तो क्या आएगा, टी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, यही तो लिखा है, और ये पलटेगा तो 1/t² हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप यही तो होगा भाई, पलट जाएगा तो 1 ऊपर चला गया और t नीचे, तो इसको चाहो इसको भी बाहर कर लो, तो 1/b³ हो जाएगा कि नहीं भाई, 2 इस पे 1 इस पे 3। और यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माने ए का स्क्वायर माइनस 2 at हो गया। और देखिए पूरे के अपान में क्या बचा, यहाँ पर टी स्क्वायर है, ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ डी टी है, तो 1/b³ तो है ही है यहाँ पर। अब इसको तोड़िए तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 at माइनस है अपॉन टी स्क्वायर, ठीक, ये लिखा गया ना इसमें, ठीक है, डी टी है ही है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये 1/b³ तो है ही है इंटीग्रेशन, अब इससे देखिए कैंसिल हो गया, 1 बचा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 a तो है ही है, और टी से टी कैंसिल हो तो 1/t हो गया यहाँ पर, और यहाँ डी टी। तो एक काम करिए, चलिए ब्रेकेट को ऑफ कर दीजिए, नहीं डायरेक्ट ही कर देता हूँ आपकी बार, इसको क्या बार बार करें, ठीक है। तो डायरेक्ट करेंगे तो इसका 1 का तो टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा, प्लस ए स्क्वायर, इसमें देखिए क्या है, टी के पावर माइनस 2 है तो इसमें 1 ऐड होगा, और माइनस 2 में यहाँ भी अपॉन में भी वही चीज़ लिखा जाएगा कि नहीं, और माइनस 2 ए तो है ही है, 1/t होता है लॉग टी का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर प्लस सी हो गया। तो चलिए जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए टी की वैल्यू किसको माने थे, टी भाई, टी तो हमने माना था ए प्लस बी एक्स को, तो यहाँ लिख दिया ए प्लस बी एक्स लिख दिया, और प्लस ए स्क्वायर तो है ही है, और यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, टी के पावर माइनस 1, और यहाँ भी क्या आएगा, तो यहाँ भी लिख दिया ए प्लस बी एक्स की पावर माइनस 1, और बट्टे में भी माइनस 1 आया कि नहीं, और यहाँ माइनस 2 a, ठीक, और लॉग, और टी किसकी वैल्यू बताओ, वही है ना, ए प्लस बी एक्स है, ठीक, और प्लस सी, आप इसको ये भी लिख सकते हो, 1/b तो है ही है, क्यूब है में, है ना, ठीक, क्यूब लिख दीजिएगा, ए प्लस बी एक्स लिखा है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, और ए स्क्वायर है ही है, ठीक, आप इसको चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, ए प्लस बी एक्स प्लस का हो गया ये वाला कि नहीं, और माइनस 2 a, ठीक, और यहाँ लॉग ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पर ब्रेकेट बंद, प्लस सी हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है, डी एक्स लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए नीचे क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है। तो बच्चों इस ऊपर जो है हम इसको अगर ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, जैसे हम चाहें कि ये चीज़ ऊपर बना लें तो क्या बन सकता है, क्या, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, चलिए देखिए, ए स्क्वायर तो यहाँ पर ही है एक्स स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर वन का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्लस टू ए की जगह एक्स और बी की जगह वन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये चला गया, ठीक है। इसके लिए लेकिन क्या करना पड़ा मुझे, टू एक्स यहाँ पर ऐड करना पड़ा और टू एक्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, कि नहीं करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। और ये देखिए पूरे अपॉन में क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, कि नहीं। अब ये देखिए क्या फॉर्मूला होगा, ये अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, भाई आप खुद भी देखो ये 2x यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो 2x यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये x प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया इतना, और माइनस 2x यहाँ पर आ गया, और ठीक पूरे कपॉन में x प्लस वन का यहाँ पर क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे 2x ही लिखा है तो कहीं ना कहीं इसको भी लाओ यहाँ पर 2x है, अगर इसको कुछ मानेंगे तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ भी लाओ x प्लस वन का होल स्क्वायर बना लिया जाए, तो इसको x प्लस वन का हो x प्लस वन ही बन जाए तो x प्लस वन कैसे बन सकता है, ये अभी इसी जगह से आ जाइए, इसको x प्लस वन, जैसे यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने इतना बनाया, लेकिन अगर इसको भी x प्लस वन बनाना होगा तो कैसे बनेगा, देखिए क्या होल स्क्वायर तो है ही है। यहाँ पर एक काम कर दिया है, देखिए यहाँ पर माइनस टू एक्स कब आ सकता है, बताइए माइनस टू एक्स कब आ सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम इसको चाहें तो x प्लस वन यहाँ पर लिख दें, ठीक लिखा अपने मन से, लेकिन ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए वैल्यू क्या, जब इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो इसका मतलब माइनस अगर कामन ले ले यहाँ पर, क्या ले ले माइनस, माइनस कामन ले ले और माइनस टू ले ले कामन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस टू, तो इसका मतलब प्लस टू यहाँ पर जोड़ दें, ठीक है। तो बन गया नहीं बन गया, देखिए अब इसको तोड़ के देखिए, इतना इतना जब बन गया तो इसके आगे देखिए तोड़ के देख लीजिए जाए, 2x माइनस टू प्लस टू ये कटा, फिर ये देखिए माइनस टू आ गया, एक्स आ गया। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से इसको बना लिए और सब के अपॉन में ये x प्लस वन का होल स्क्वायर चला गया यहाँ पर, ये डी एक्स है। तो बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आ गया, अब इसको देखिए क्या कर सकते हो, सेपरेट कर दीजिए, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, माइनस टू है यहाँ पर x प्लस वन का, ये तो है ही है, और नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ टू है इसके अपॉन में क्या जा रहा है, x प्लस वन का, ये भी होल स्क्वायर चला गया कि डी एक्स, कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो वन हो गया कटने के बाद, ठीक यहाँ पर माइनस टू इससे एक कट गया तो यहाँ पर जब वन अपॉन एक्स प्लस वन बच गया, ठीक यहाँ प्लस है टू है यहाँ पर, अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू हो गया, कि नहीं। चलिए इसको सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर देता हूँ इसका, भाई चूंकि यहाँ एक्स के कोफिशिएंट तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पर इसको टी मानने की कोई जरूरत नहीं, बिना टी के भी लग जाएगा। तो वन का देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए वन का एक्स हो गया माइनस टू, ये हो गया लॉग वन अपान इतना, तो लॉग एक्स प्लस वन का हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ टू लिखे है प्लस का, तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन की पावर क्या है, माइनस टू है, तो प्लस वन ऐड कर दिया और माइनस टू प्लस वन यहाँ भी लिख उठा, प्लस सी हो गया कि नहीं। तो आप इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, बताओ एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन कि नहीं, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टू एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, और अपान भी माइनस वन प्लस सी हो गया, तो ये माइनस प्लस, अब देखिए इसको ये भी लिख सकते हो टू लॉग एक्स प्लस वन, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक, और इसको नीचे लेके चलाइए तो क्या होगा, एक्स प्लस वन का पावर जो माइनस लिखा है वो प्लस का वन हो जाएगा, प्लस सी, वन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका लग गया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। आपको समझ में कम आया हो तो यहाँ पर फिर से कहो बता दे इतने क्वेश्चन, देखिए फिर से यहीं से समझ लो, इसको फिर से मिटा देता हूँ यहाँ तक, ठीक, इसी के आगे फिर से लगा लेना। देखिए यहाँ पर पहले क्या था, x प्लस वन का होल स्क्वायर था, तो चलो ऊपर x प्लस वन का होल स्क्वायर बनाए जाए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, प्लस बीस की जगह पे वन का स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, प्लस टू ए बी चाहिए, तो टू ए बी कैसे मिलेगा, टू ए की जगह तो एक्स है
बी की जगह वन है, तो इसका मतलब क्या है, आपको इतना चाहिए एक्स्ट्रा में, मतलब टू वन जा टू टू एक्स चाहिए। तो भाई आपकी तो वैल्यू इतना है, आप इतना अपने मन से लिख लिया, तो इसका मतलब इतना आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसका मतलब क्या है, इतने को भाई काट दोगे फिर से ही ऊपर वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ क्लियर हो गया नहीं हो गया? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन के स्क्वायर माइनस टू एक्स वन, ये किसका फॉर्मूला है बताइए, एक्स प्लस वन का ये होल स्क्वायर हो गया, यहाँ टू एक्स लिखा है। लेकिन इसको भी क्या करना चाह रहे हो आप बताओ, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इसको भी बनाना चाह रहे हो कि नहीं बनाना चाह रहे हो बताओ? तो इसमें देखिए आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें भी टू भी बन जाएगा, कैसे बन जाएगा देखिए हमारी बात समझो, जैसे टू है, ठीक टू है ना यहाँ पर, तो आप क्या जैसे माइनस टू एक्स है तो इसमें माइनस टू सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जब माइनस टू कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन यार अब जब माइनस टू अपने मन सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस टू आपको अपने मन से ऐड भी करना पड़ेगा, भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो ऊपर वाला बन जाएगा, भाई आपको आपको यही वैल्यू चाहिए ना। ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें माइनस टू जोड़ दिया, घटा दिया और यहाँ पर माइनस टू ऐड कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होने वाला, देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो है ही है, ठीक इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो यहाँ पर है ही है, यहाँ माइनस टू जब कॉमन लोगे तो यहाँ भी एक्स प्लस वन का बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये प्लस टू है ही है। ठीक, और इसके अपॉन में देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो लिखा है, यहाँ डी एक्स लिखा है। अब देखिए अब सब वो कर दिया, इसके अपॉन में ये लिख दिया, इसके अपॉन में देखिए ये लिख दिया, इसके भी अपॉन में ये लिख दिया, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो मैंने इसको जो है इसीलिए दो बार आपको बता दिया, अब आपको जो है इसको अपने मन से कर लेना है। ठीक ठीक, आप कौन सा क्वेश्चन बचा, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है अच्छे से भैया आप तैयार कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स जो है 20, कौन सा है ये 23 के बाद 24, कुल मिला के इसमें 24 ही क्वेश्चन थे और ये लास्ट क्वेश्चन आपका गया, और इसको अच्छे से आप देख लीजिए। तो देखिए 24 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, इसको आई मान लीजिए, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 + 2 यहाँ पर लिखा है टैन, इसको ब्रेकर में तोड़ दो तो टैन स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, इसको पहले लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखा है 2 tan x और यहाँ पर लिखा है ब्रेकेट के अंदर टैन एक्स प्लस सिक एक्स डी एक्स, ठीक ये लिखा हुआ है। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए कि आप एक फार्मूला सीखे हो, सिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 + tan² x होता है, जब टेन स्क्वायर एक्स को इधर लाओगे तो सिक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया बराबर 1, तो 1 की जगह आप इसको लिख सकते हो ना, तो 1 ही तो यहाँ पर लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताओ, सिक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कि नहीं, और इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 tan² x और इसका इसमें जाएगा तो प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स कि नहीं, और अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है डी एक्स। ठीक, एक काम करिए, काम क्या करोगे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा क्या है, लिखा है सेक स्क्वायर एक्स लिखा है ना, ठीक इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है 2 tan x उसमें से टेन स्क्वायर एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर एक्स बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 tan x यहाँ पर सेक एक्स। ठीक, अब एक बात यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टेन, देखिए सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 tan sec या sec tan, तो भैया तो फार्मूला हो रहा है ना किसी का, किसका हो रहा है, sec x ठीक है प्लस tan x, इसका फार्मूला का होल स्क्वायर है ना ये तो कि नहीं, अब ये स्क्वायर में है तो बाहर तो निकल ही आएगा, तो क्या हो जाएगा sec x प्लस ये हो गया tan x, क्लियर हो गया नहीं हो गया, ठीक डी एक्स। तो चलिए इसका करते हैं, तो sec का क्या होता है बताइए, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, sec का होता है log sec x प्लस tan x हो गया कि नहीं, ये तो होता है, और इसका क्या होता है बताइए, log इसका होता है sec x होता है, ठीक है होता ही नहीं होता है प्लस c। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रकार से देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आज मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, करें शेयर करें ताकि हम इसी तरीके के वीडियो आपको बनाते रहें। थैंक यू।